हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूं आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, प्रिंस स्कूल से आ चुका है। आज इसका फर्स्ट डे था स्कूल में और स्कूल में लेने आई हूँ। बस स्टॉप के यहाँ पर ही खड़े हैं तो यहीं पे वो इन दोनों ना मस्ती कर रहे हैं। प्रिंस दिखा रहा है आज क्या क्या हुआ, बता रहा है कि क्या क्या मिला, पानी पी रहा है और आज है ना खाने में क्या मिला वो सारी चीज़ें अपनी बहन को बता रहा है। फ्रेंड्स, है ना प्रीहू प्रिंस को ना मिड डे मील मिलता है। फर्स्ट जूनियर सीनियर फर्स्ट टू फोर्थ है ना बच्चे लोग को वहाँ पर मिड डे मील मिलता है। तो फिर वही बता रहा था कि क्या क्या हुआ और क्या खाने को मिला, सारी चीज़ें अपनी बहन के साथ वो शेयर कर रहा था और उसके बैग में क्या है वो दिखा रहा है। ये देखिए पार्टी है, पार्टी सारी चीज़ें वो निकाल निकाल के दिखा रहा है। आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, बता रहा था अपनी बहन को। ये देखिए गुस्से में इसने अपना जो वो है वो भी तोड़ दिया, क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना था, वो गाड़ी में ही इसने तोड़ के रख दिया ऐसे। प्रिंस ना थोड़ा गुस्सेल भी है कि उसको कहीं नहीं जाना रहेगा ना, तो वह इस तरह से हरकतें करता है, इसलिए वो मुझसे ना ज़्यादा मार भी खा लेता है कभी कभी। फ्रेंड्स, प्रिंस की यूनिफॉर्म में क्यूट टिक रहा है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ना मुझे और प्रियू प्रिंस को भी बहुत पसंद आता है। प्रिंस है ना पीयू को सारे चीज़ें बता रहा था कि मैं कैसे गया, बस इस तरह से गई, बस वहाँ से गई, फिर उसके बाद हम लोग स्कूल उतरे, स्कूल के अंदर क्लासरूम में गए, क्लासरूम में जो बेंचेस थी इतनी बड़ी बड़ी थी और जो टीवी वहाँ पर बड़ी वाली टीवी है वो टीचर उस पर से ही पढ़ा रही थी आज हम लोग को। अब आप लोग सोच रहे रहेंगे कि पीयू स्कूल नहीं गई। फ्रेंड्स, पीयू का जो टाइमिंग है ना वो चेंज हो चुका है। पहले वो 10 बजे जाती थी जिस टाइम पे प्रिंस जाता है, अब वो है ना सुबह 7:30 बजे स्कूल जाती है। तो फिर मैंने है ना आज वीडियो शूट नहीं किया है उसका, मैं कल आपको जो है ना कल का जो वीडियो है इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से पीयू रोज़ सुबह सुबह तैयार होती है, स्कूल जाती है और स्कूल से आती है। सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहले प्रिंस का ही तो इन्जॉयमेंट ले लीजिए। प्रिंस बहुत क्यूट लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के। उसके दादा भी उसके इंतज़ार में बाहर बैठे थे, अब आएगा प्रिंस, अब आएगा प्रिंस। और प्रिंस आया ना तो दादा उसके खुश हो गए, अरे वाह मेरा प्रिंस आ गया। जैसे घर में गया वैसे ही खाना पीना सब उसको दी हूँ। और फिर मैं सोची कि ये ना नेक्स्ट डे स्कूल का भी आप लोग के साथ शेयर करूँ किस तरह से बस आती है और कौन कौन उसके स्टॉप पे है। यहाँ पर मैं उसको लेके गई थी ना स्टॉप पे छोड़ने के लिए, तो फिर उसका जो बैग है वगैरह वो उसको पहना के ही रखी थी, क्योंकि ना बस में जाने से पहले उसको पहनाना ज़रूरी होता है, और क्योंकि वो लोग चिल्लाने लगते हैं पहले पहना के रखने का बाद में सारी चीज़ें करने की। आज फिर से पीयू आई है प्रिंस को छोड़ने के लिए। पीयू प्रिंस के साथ ना एक लड़की जाती है, ये पीछे वाली है ना ये जाती है, इसका नाम जाई है और ये भी बहुत रोती है स्कूल जाने के टाइम पे। तो फिर यही है ना दोनों मस्ती कोर बच्चे हैं और दोनों रो रो के ही जाते हैं। जब भी मैं प्रिंस को बोलती हूँ ना वीडियो शूट करते हैं तो वो है ना अजीब सा मुंह बना लेता है और है ना वीडियो लेने ही नहीं देता है। मैं घर गई ना तो इसके बाद इसका जो बो है उसको सिल दिया है और आज देखिए कैसे ऐसे मुंह बना के खड़ा है उसको। अब मैं कुछ बोलूँगी ना तो रो देगा। उस लड़की का नाम जाई है और उसके क्लासमेट है, उसके साथ जाएगी, वो भी जूनियर के जी में, प्रिंस भी जूनियर के जी में। प्रिंस की जो बस है वो आ गई, अब जा रही है जाई और प्रिंस जो है बस में। प्रिंस और जाई का ये है सेकंड लास्ट स्टॉप, इस वजह से अब बस जो है ज़्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर आगे की जो जगह है वो खाली रखते हैं। फ्रेंड्स, आज है पीयू का स्कूल का फर्स्ट डे और प्रिंस जो है सो रहा है। यहाँ पर पीयू के डैडी ने सारे इंतज़ाम कर रहे हैं बैग वगैरह का भरने का, और मैंने पीयू को नीला विला के बाहर निकाल दिया है और उसको अब तैयार कर दी। मैंने सुबह 7 बजे उठाया था और उसको फटाफट नहला दिया। 7:10 पे हम लोग बाहर आ चुके हैं, 7:15 पे तैयार हो चुके हैं और 7:20 तक हम लोग का नाश्ता पानी सब हो रहा है। इसके बाद फास्ट लेके जाऊंगी इसको बस स्टॉप पे। पीयू जो है रेडी हो चुकी है उसका पानी, और यहाँ पर उसको एनवलप दे रहे हैं ताकि वो स्कूल में दे और जो बुक्स वगैरह है ना तो उसको मिल सके। मैं फास्ट भाग के जा रही हूँ, हम लोग आ गए हैं बस स्टॉप पे, वो उसके आप मिल चुके रहेंगे।
सौर्यांश है उसका नाम, और यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। हमें भाग भाग के आई ताकि है ना स्कूल बस जो है मिस ना हो जाए हमसे। जैसे मैं आई ना वैसे जब पीयू की स्कूल बस है वो फास्ट से आ चुकी है, और मुझे है ना बहुत अच्छा लगता है कि है ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी बस आती है। शाम 10 बजे ना बस जो है बहुत टाइम लेती है आने को। यहाँ पर सबसे पहले जूनियर जो सीनियर वाले हैं ना फर्स्ट वाले हैं वो जाएंगे, और फिर उसके बाद पीछे वाले जाएंगे। बस में जाने से पहले ना जो भी कंडक्टर रहता है ना उसके हाथ पे वो बस नंबर लिखता है ताकि आते समय है ना वो बच्चे इधर उधर ना जाए और उसी बस में रह जाए, मतलब कि उसी बस में पक जाए जो बस में आए थे। फ्रेंड्स स्कूल है ना घर से बहुत दूर है, अगर मैं उसको रोज़ छोड़ने जाऊँ ना तो फिर उसका खर्चा ही ज़्यादा हो जाएगा। पर ये जो बस और मिड डे मील मिलता है ना वो फीस में ही इंक्लूडेड है, 2500 फीस लेते हैं उसमें ही इंक्लूडेड है, और सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये फीस ना मतलब कम है बाकी स्कूलों के मुकाबले। अब पीयू गई स्कूल, मैं सोच रही हूँ चलिए वॉक कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं गार्डन आ गई, बाजू में ही गार्डन है वहाँ पर मैं वॉक करने आ गई हूँ, और अभी बारिश का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पर गार्डन आके ना वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और आप भी अगर गार्डन नहीं जाते रहेंगे तो प्लीज़ जाइए और वॉक कीजिए, ताज़ा हवा का एहसास लीजिए। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 1 और बस का आने का टाइम हो चुका है, मैं भी निकल गई हूँ। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकली ना यहाँ पर देखिए बारिश कितनी ज़ोरदार आ रही है, छमाछम छमाछम छमाछम। और ये सब देख के ना पीयू का खुशी का ठिकाना नहीं है, पीयू को है ना बारिश में नहाना, बारिश 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 बहुत अच्छा लगता है। आगे मैं ना उसका डांस दिखाऊंगी किस तरह से वो डांस करती है बारिश के अंदर। वो है ना घर में आना ही नहीं चाह रही थी, कितना मैंने फोर्सफुली उसको अंदर लिया है घर में, वो ना बारिश को इतना इंजॉय करती है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। फ्रेंड्स यही था ना आज का पूरा व्लॉग पीयू प्रिंस का फर्स्ट डे स्कूल, उस लोग को लेके आना। और आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, पीयू प्रिंस के लिए भी मायने रखता है। अब है ना मैं आप लोग के साथ म्यूज़िक के साथ पीयू का डांस दिखाऊँगी और आगे यहाँ का वीडियो ख़त्म होता है। चलिए बाय।